गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर सी मोहरी का डिज़ाइन, जो कि हम बनाएंगे वेलवेट की सलवार पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए, हमने बुकरम की कटिंग कर ली है और इसकी चौड़ाई करीब 1.5 इंच है। अब इसको हम अपनी सलवार के कपड़े पर लगाएंगे। देखिए, यहाँ से करीब आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमने अपने बुकरम को रख लिया है और बिल्कुल किनारे किनारे पर हम यहाँ पर दोनों साइड्स पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं सलवार की ही शनील का ही कपड़ा यूज कर रही हूँ, जिससे कि हमारी जो सलवार है उसमें थोड़ा सा फ्लफीनेस आएगा और जो हमारी मोहरी है वो दिखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी। आप यहाँ पर कोई और कपड़ा यूज करेंगे तो उसमें हमारी सलवार में फ्लफीनेस नहीं आएगा और जो हम डिजाइन बनाएंगे वो थोड़ा सा फूला हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम हमेशा जब भी मोहरी बनाएं शनील के कपड़े की तो आपको सलवार का ही कपड़ा यूज करना है। अब यहाँ पर हम अपने दोनों बुकरम पर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, बुकरम के चारों साइड पर हमने सिलाई लगा ली है और एक साइड से देखिए हमने इसे करीब 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया है। और देखिए, शनील के कपड़े पे जब भी हम सिलाई करते हैं तो हमेशा, अगर आपकी छोटी मशीन है तो आप उसमें 14 नंबर की सुई लगाइए, अगर आपकी अम्ब्रेला मशीन है तो उसमें आप 11 यानी कि 11 नंबर की सुई लगाइए। इसमें अभी मैंने ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें मैंने अभी 14 यानी कि 14 नंबर की सुई लगाई हुई है। अब देखिए, इस कपड़े को जो हमने ज्यादा करके रखा हुआ है इसको हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे कपड़े पर सिलाई लगा देंगे। पूरे कपड़े पे ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको हम सलवार के साथ लगाएंगे। देखिए, हमारी सलवार की मोहरी वाली साइड है। अब इस पट्टी को हम कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। देखिए, बुकरम के बिल्कुल पास पास में हमें सिलाई लगानी है और ये हमारी सलवार का सीधा वाला साइड है तो जो हम बुकरम रखेंगे वो हमें सलवार की सीधी वाली साइड की तरफ रखकर स्टिच करना है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, इस कपड़े को हम उल्टी साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल यहाँ पर किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे पूरे में। ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों साइड्स पर ये देखिए, यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड पे भी हम दोनों साइड्स पर एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। देखिए, दोनों साइड्स पर हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसके बीच में हम ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लहरिया बनाएंगे, दोनों साइड्स पर हम ऐसे ही लहरिया बनाएंगे। लहरिया बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हम 10 नंबर वाली स्टिच को सिलेक्ट करेंगे। आप 9 और 10 से दोनों से ही लहरिया बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 10 नंबर वाली स्टिच को सिलेक्ट कर लिया है और ये देखिए हमारी स्टिच की लंबाई है, इसको आपको F पे रखना है। और ये हमारी स्टिच की विथ है तो इसको हमने 5 पे रख रखा है। और ये हमारी सिलाई की टेंशन है, इसको आपको 3 पर ही रखना है। अब सिंपली हम यहाँ पर से सिलाई लगाएंगे। और अगर आपकी सिंपल मशीन है तो आप सिंपल मशीन से ही लहरिया बना सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं। ये देखिए, हमने दोनों साइड्स पर लहरिया बना लिया है। अब यहां पर हम बीच का डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले करीब 1.5 इंच दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, पूरे में हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखिए कुछ इस तरह से लहरिया बनाएंगे। तो ये देखिए, एक निशान से दूसरे निशान तक कुछ ऐसे आपको घुमाते हुए सिलाई लगानी है पूरे में। ये देखिए, हमने पूरे में लहरिया बना लिया है। लहरिया आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर ही बनाना है। अब देखिए, हम लहरिया के अंदर की साइड पर डिजाइन बनाएंगे। लहरिया के अंदर की साइड पर डिजाइन बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर जो 8 नंबर की स्टिच है हम इसको सिलेक्ट करेंगे
8 नंबर की स्टिच सिलेक्ट कर ली। और देखिए ये हमारी सिलाई की लंबाई है, इसको हम F पे कर लेंगे। और ये सिलाई की जो विथ है, चौड़ाई, इसको हम 5 पे कर लेंगे। और सिंपली अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, और देखिए सिलाई आपको ऐसे ही लगानी है जैसे हमने अपनी लहरिया बनाई है, हमें वैसे ही यहाँ पर सिलाई चलानी है, उससे हमारा डिजाइन बिल्कुल बनता हुआ चला आएगा। तो ये देखिए एक साइड पर हमने ये डिजाइन बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसे ही हम अपने दूसरी साइड की तरफ भी डिजाइन बना लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अपनी सलवार पर ये पोचा बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। दोनों साइड पर हमने ये लहरिया बना लिया है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है और इसको करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।